यहाँ पर माता मैना पार्वती जी को सीख देती है और उनके आंसू की लड़ी ही नहीं टूट रही है, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ कैलाश पर्वत पर कुछ नहीं है, यहाँ इतने नाजों से पाला है, बड़ा किया है और वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मन में पहले तो विचार किया कि ऐसे बाबा से पढ़ लूं, इससे अच्छा तो मेरी बेटी को मैं किसी पहाड़ से गिरा दूं, लेकिन बहुत समझाया, खुद माँ पार्वती ने कहा कि मैंने इतनी आराधना इतनी तपस्या केवल भगवान शंकर को पाने के लिए ही करी है और मैं तो उनके लिए ही अवतार लेकर आई हूँ। तब जाकर माता मैना राजी हुई थी विवाह के लिए और दोनों ने मिलकर पार्वती मैया को विदा किया। और हिमवान की बेटी थी वो, हिमालय राजा की, हिमाचल राजा की, और उन्होंने दहेज में इतना सामान दिया, क्योंकि बड़े राजा थे, सब कुछ दिया कि जो भी चाहिए। आज कोई बेटा अगर अपनी बहन की शादी करता है तो एक बार सोच लेता है कि इतना कर्जा करूंगा तो कैसे चुकाऊंगा, लेकिन अगर बाप जिंदा है तो वो कहता है कि इसको जो जो चाहिए सब दे दे, मैं कर्जा कर लूंगा पर इसको सब दूंगा, वो कर्जा करके दे देता है। और दोनों ने मिलकर विदा किया, खूब दहेज दिया, पर मेरे भोलेनाथ इतने भोले हैं कि उस दहेज को वहीं पर बांट दिया, वो कुछ लेकर ही नहीं आए। भूतों ने कहा प्रभु ये चाहिए तो के ले जाओ, देवताओं ने कहा ये चाहिए, हाथी घोड़ा सब बांट दिया। तो पार्वती जी ने कहा प्रभु कुछ तो हमारे लिए रखो, मेरे पियर की एक निशानी तो वहां तक ले चलो। तब हमारा सब बट चुका था, केवल एक चारपाई बची हुई थी। क्या बची हुई थी? चारपाई। तो उन्होंने कहा कि पार्वती ये चारपाई अब हम किसी को नहीं देंगे, ये लेकर आएंगे। एक गण को बुलाया और उस गण को कहा कि ये चारपाई तुम कैलाश पर्वत पर लेके आना। अब महाराज भोलेनाथ के गण तो भोलेनाथ के ही गण हैं, वो पहाड़ों में से लेकर आया तो महाराज कहाँ उसकी रस्सी गई, कहाँ उसके तीन पाए गए, किसी का अता पता नहीं, केवल एक पाया हाथ में लेकर गया और कैलाश पर्वत पर गया। तो पार्वती जी ने कहा प्रभु ये क्या, आखिर निशानी थी, इसमें से भी सब गायब हो गया, एक पाया लेकर आया है। तब भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती भले ये एक पाया लेकर आया है, लेकिन ये एक पाया भी मुझे बहुत प्रिय रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारे पियर से आया है। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग में जब शयन आरती होती है तो वहां पर एक चांदी या सोने का पाया रखा जाता है, जिसे खटवांग भी कहते हैं। वो हिमाचल राजा के यहाँ की निशानी है जो उनके श्रृंगार में रखी जाती है। महाराज भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी आनंद में रहते हैं। पार्वती खूब सेवा करती है, कहाँ महलों में रह रही थी और कहाँ महाराज आंकड़े की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, जिमो मारा भोले ना जिमावे गोरा, आज काय की रोटी बना रही है, आंकड़े की रोटी बनाई है और काकड़िया की साग बना रही है। वो फिर भी प्रसन्न है, ऐसा नहीं है कि वो दुखी है, और आनंद में वो जीवन जीते हैं। और कहते हैं, वर्णन आता है कि एक बार भगवान भोलेनाथ तपस्या में बैठे थे और तपस्या में बैठे तो उनकी आंख से एक अश्रु पृथ्वी पर गिरा, जिससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। कितना पावन है महाराज रुद्राक्ष, कि भगवान के आंखों के आंसू से बना है, आंसू से उत्पत्ति है, कितना पवित्र है। और पार्वती मैया के आंखों से आंसू गिरा तो उससे बेलपत्र की उत्पत्ति हुई। काई की हुई? बेलपत्र की। भगवान भोलेनाथ की आंख से गिरा आंसू तो क्या, किस चीज की उत्पत्ति हुई, बोलो जल्दी से। और
पार्वती मैया के आंखों से आंसू गिरा तो किसकी उत्पत्ति हुई? पार्वती मैया के आंखों से गिरा तो बेल पत्र की हुई के? और महाराज रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। कितने? 14 मुखी। और आजकल तो महाराज प्लास्टिक के आने लगे तो लोग 21 मुखी भी बताते हैं, लेकिन शिव महापुराण कहती है कि 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। और एक मुखी महाराज रुद्राक्ष किसे मिल जाए इतनी आसानी से मिलता नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जो मिल जाए तो महाराज करोड़पति को भी वो करोड़पति बना देता है, इतनी उसमें शक्ति है। आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो जाता है अगर एक मुखी रुद्राक्ष आपके पास है। आपको सुख और शांति का अनुभव एक मुखी रुद्राक्ष कराता है। और एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसको धारण करने का एक मंत्र होता है कि ओम हिम नमः, ये कहकर उसे पहनना चाहिए, ओम हिम नमः। और दो मुखी जो रुद्राक्ष रहता है वो दो मुखी रुद्राक्ष आपके कार्य को सिद्ध करता है। अगर आपका कार्य रुका हुआ है, आपका कार्य हो नहीं रहा, तो दो मुखी जो रुद्राक्ष है वो पहनने से आपके कार्य जल्दी से होने लग जाते हैं, वो आपके कार्य को सिद्ध कराता है। और उसका मंत्र है उसको पहनने का ओम नमः। क्या मंत्र है? ओम नमः। और तीन मुखी जो रुद्राक्ष रहता है, वैसे विद्वेश्वर संहिता में जो 1 से लगाकर 14 मुखी रुद्राक्ष हैं सभी के मंत्र दिए गए हैं कि किसको कैसे पहनना है। हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो किसको कैसे पहनना, रुद्राक्ष कभी भी काले धागे में नहीं पहनना चाहिए, हमेशा लाल धागे में पहनना चाहिए। काई में पहनना चाहिए, लाल धागे में पहनना चाहिए। और जो तीन मुखी रुद्राक्ष होते हैं महाराज, कोई कार्य हम करते हैं चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसमें हमारा मन लगता नहीं है। थोड़ा करा और ऐसा ही छोड़ दिया, ऐसा आता है मन में अब हमसे नहीं हो रहा, अब हम नहीं कर पाएंगे, हम उस चीज से मुंह मोड़ने लग जाते हैं। तो तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आपका मन उस काम में लग जाता है, आपका मन एकाग्र हो जाता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ और कार्य हो। मैं ये नहीं कहती कि आप रुद्राक्ष पहन लोगे तो आप अपने आप पास हो जाओगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी कि नहीं? आप कर्म करोगे तभी भगवान फल देंगे, बस कर्म करते रहिए, फल की चिंता आप मत करिए, भगवान स्वतः ही आपको दे देंगे।